नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देवर्षि नारद के बारे में। देवर्षि नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है। यह भी सर्वमान्य है कि देवर्षि नारद हर युग में, हर काम में, हर लोक में, हर ग्रंथ में, हर समाज में तथा समाज में होने वाले प्रत्येक कार्य में विद्यमान रहते हैं। लोक कल्याण हेतु वह सब जगह विचरते हैं। उनका काम है भगवान की भक्ति और उनकी महिमा का विस्तार करना। धर्म तथा परंपराओं में अटूट विश्वास रखने वाले भक्तजन मानते हैं कि नारद जी अप्रत्यक्ष रूप में विचरते हुए सब भक्तों को किसी न किसी प्रकार से सहायता कर उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि नारद मुनि ने अधिकारी तथा पात्र लोगों से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर उनकी अभूतपूर्व सहायता की। स्मरण करें कि भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव तथा अम्बरीश आदि को दर्शन दिए, उपदेश दिया, रास्ता बताया, अंगुली पकड़कर उन्हें भक्ति मार्ग पर चलाया। यदि नारद जी रास्ता न दिखाते तो श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण की रचना भी न हो पाती। वाल्मीकि जी ऋषि बने हो या शुकदेव ने प्रभु को प्राप्त किया हो, देवर्षि नारद की ही अनुकंपा का परिणाम है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अहो ये देवर्षि नारद जी तो धन्य है, वह बीड़ा बजाते हैं, हरिगुण गाते हैं, मस्ती में आकर दुखों से भरे संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। पूर्वजन जन्म से दासी पुत्र अपनी माता के साथ संतों की सेवा करने एवं उनका संग पाने का अवसर मिला। अनचाहे अनजाने में मिला सत्संग रंग लाया। चतुर्मास के समय यदि यह दासी पुत्र अपना पेट भरने के लिए संतों के जूठे पतन न चाड़ता तो शायद भाग्योदय भी न होता, पाप नष्ट न होते। इसी दौरान भगवान से जुड़े प्रसंग, उनकी कथा, उनकी स्तुति का ढंग, ये सब प्राप्त होते रहे और बालक नारद का अंतःकरण भी साफ, स्वच्छ एवं निर्मल होता गया। हृदय शुद्ध हुआ और इसके भीतर भक्ति का संचार भी होने लगा। इन संतों ने इस बालक द्वारा की गई सेवा के कारण जाते जाते उसे भगवान की भक्ति का गुप्त ज्ञान देकर बालक को नारद पद पाने के लिए मानो पूर्ण रूपेण तैयार ही कर दिया। छोटे बालक ने जब केवल 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त की, इनकी माता को विषधर ने काट लिया और वह मर गई। बालक का अंतःकरण शुद्ध था, बुद्धि भगवत स्वरूप में स्थिर हो चुकी थी, माँ के पास रहने वाला बंधन भी टूट चुका था। जा पहुँचे घने जंगल में एक छायादार वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान का ध्यान करने लगा। प्रभु कृपा देखिए, इतनी कम आयु का बालक अपनी वृत्तियाँ एकाग्र कर सकने में सफल भी हो गया। हृदय में भगवान प्रकट हो गए, भगवान आए, एक झलक दिखाई, फिर हो गए अदृश्य। बालक चटपटा उठा, वही स्वरूप पाने को आतुर हो उठा। लाख कोशिश करने पर भी वैसी स्थिति ना मिल सकी। भगवान अपनी लीला जानते थे। उन्होंने नन्हे बालक की मन स्थिति को सही दिशा देने के लिए आकाशवाणी द्वारा कह दिया, बस हो चुके दर्शन मेरे। ऐ दासी पुत्र, इस जन्म में तुम्हें मेरे स्वरूप के दर्शन पुनः संभव नहीं। यह शरीर त्याग कर जब नए शरीर में प्रवेश करोगे तब मेरे पार्षद रूप में मुझे पा सकोगे। मिल गया दिशा निर्देश। इसने बालक को निराश नहीं किया, बल्कि बालक के मन में एक आशा की किरण जाग उठी। अब वह जंगल जंगल भटककर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। मृत्यु हुई, कल्प के अंत में दिव्य विग्रह धारण किया, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाए, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, ब्रह्मा जी से प्राप्त वीणा को बजाते और प्रभु गुण गाते, हर लोक में विचरने लगे। वह सर्वगुण संपन्न थे, सभी वेदों शास्त्रों पुराणों तथा इतिहास को जानने वाले प्रखर बुद्धि के स्वामी नारद मुनि ने अनेक बार बृहस्पति जैसे विद्वानों के शंका समाधान में सहयोग दिया। मेधावी प्रभावशाली वक्ता तथा संगीत के महापंडित देवर्षि नारद अपने योग बल से समस्त लोगों का पता लगाने में सक्षम थे। ऐसा कोई गुण या विद्या नहीं जिससे वह वंचित रहे हों। वह आनंद के सागर तथा
सदाचार के आधार रहे हैं। आज भी देवर्षि नारद हैं। वह किसी भी काल में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया, देवर्षि नारद उसे पहले ही जान जाते तथा उसके लिए हर प्रकार का सहयोग करते रहे। भविष्य में भी चाहे कल्कि अवतार हो या कोई भी घटना हो, देवर्षि नारद की भूमिका महान रहेगी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।